आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। वास्तु को वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझने के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं। एक घर या ऑफिस का साउथ ईस्ट फायर जोन का एक्सटेंशन 6 प्रकार का हो सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा एक घर या ऑफिस में 6 प्रकार से बड़ी हुई हो सकती है। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो इन 6 प्रकार में से कोई एक प्रकार का ही वो एक्सटेंशन होगा, और ये सभी एक्सटेंशन अलग अलग हैं। और काफी लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ एक्सटेंशन बहुत खराब होते हैं, कुछ कम खराब होते हैं और कुछ एक्सटेंशन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आज हम इस विषय को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही लॉजिकली जानेंगे और समझेंगे। और ये विषय आप लोगों को नया इसलिए लग रहा होगा कि इस विषय पर कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, जानकारियां दी ही नहीं गई हैं। और हम ये भी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन को क्यों बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, कैसे इससे बड़े वास्तु दोष घर में पैदा होते हैं और वो क्या बड़े नुकसान हैं जो घर में रहने वाले लोगों को मिलते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे अगर एक प्लॉट में साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिससे साउथ ईस्ट एक्सटेंशन का जो वास्तु दोष है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। और अगर एक घर बन चुका है और वहां पे साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा बड़ी हुई है तो वहां पे हमें कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिनसे वास्तु दोष 100% एलिमिनेट या खत्म हो जाए। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखें। पहले हम बात करते हैं 6 प्रकार के एक्सटेंशंस के बारे में जो हमें साउथ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। ये 6 प्रकार के साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला एक्सटेंशन साउथ ईस्ट का साउथ की तरफ है, दूसरा एक्सटेंशन में साउथ ईस्ट ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है ये एरिया, और तीसरा एक्सटेंशन आप देखिए साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है साउथ और ईस्ट की तरफ, और चौथा एक्सटेंशन है साउथ ईस्ट साउथ और वेस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है, पांचवा एक्सटेंशन आप देखिए साउथ ईस्ट का ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है, और छठे एक्सटेंशन में साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड है। तो ये 6 प्रकार के साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन होते हैं। ये एक्सटेंशन आप देखिए सबसे बड़ा है, उससे छोटा एक्सटेंशन ये है, फिर ये है और सबसे छोटा ये। क्या ये सभी एक्सटेंशन समान रूप से खराब हैं या ये सबसे ज्यादा खराब है, ये उससे कम खराब, ये उससे कम खराब और ये सबसे कम खराब? देखिए वास्तु के अनुसार अग्नि हमें अपने जीवन में बहुत ही बैलेंस मात्रा में चाहिए, ना ज्यादा ना कम। साउथ ईस्ट एक्सटेंशन का अर्थ है कि अग्नि का बढ़ना। देखिए कितनी भी बड़ी आपको अग्नि लगानी हो, एक छोटी माचिस की तिल्ली ही काफी है। तो एक्सटेंशन आपका बहुत बड़ा हो, उससे छोटा हो या बहुत छोटा हो, इसके जो प्रभाव हैं, इसके नुकसान समान रूप से घर के लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन भले ही इन 6 में से कोई भी प्रकार का हो, उससे समान वास्तु दोष पैदा होते हैं और उसके समान बहुत बड़े नुकसान उस घर में रहने वाले लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये 6 एक्सटेंशन समान रूप से खराब हैं। अगर हम बात करें कि साउथ ईस्ट के एक्सटेंशन को इतना खराब क्यों माना जाता है, देखिए साउथ ईस्ट अगर एक्सटेंडेड है तो उसका अर्थ ये हुआ कि अग्नि का बढ़ना। अगर हमारे शरीर में अग्नि बढ़ती है तो उससे पित्त बढ़ता है और इसी वजह से शरीर में बहुत बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक घर में अग्नि बढ़ी हुई है, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और अग्नि अगर बढ़ी हुई है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है हार्ट डिजीज का, हृदय रोग का। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, दक्षिण पूर्व दिशा बढ़ी हुई है, तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को पेट से संबंधित बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पेट का अल्सर।
और आंखों से संबंधित भी बहुत ज्यादा बीमारियों का डर बना रहता है उन घरों में जहां पे साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड होता है। और अगर हम बात करें फाइनेंस की, पैसों की, तो ऐसे घरों में देखा गया है कि बहुत ज्यादा पैसा बीमारियों में ही व्यर्थ हो जाता है, खर्च हो जाता है। इसके अलावा पैसा टिकता नहीं है, लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी में, लीगल इश्यूज में पैसा बहुत ज्यादा खर्च या व्यर्थ होता है। इसके अलावा अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो ऐसे घरों में बच्चों की शादी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, विशेषतः जो लड़कियां हैं उनको ऐसा देखा गया है कि माँ बाप को बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं उनकी शादी में। तो देखिए, इतने ज्यादा, इतने बड़े नुकसान घर में अपने जीवन में लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं, कभी मन की शांति मिल ही नहीं पाती है। तो इन कारणों से अगर साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है तो एक बड़ा वास्तु दोष माना गया है। और इस वजह से साउथ ईस्ट भले ही कम एक्सटेंडेड हो, ज्यादा हो, किसी भी प्रकार का उसको एक्सटेंडेड हो, आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसमें प्रॉपर एक इफेक्टिव रेमेडी हो, जिससे कि वहां का वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाए। अब हम रेमेडीज की बात करते हैं, हम वास्तु रेमेडी की बात करते हैं। अगर ये नया कंस्ट्रक्शन है तो जो साउथ ईस्ट में एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जिससे कि वास्तु दोष इसका पूरी तरह से दूर हो जाए। अगर ये आपका प्लॉट है और ये एक्सटेंडेड एरिया है तो आपको कंस्ट्रक्शन इस स्क्वायर यानी इस एरिया में करना है। इस एक्सटेंडेड एरिया को आपको यहाँ दीवार बना के घर से अलग कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे आप दीवार बनाएंगे तो ये एक्सटेंडेड पोर्शन आपके प्लॉट से अलग हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको दीवार बनानी है, इस पोर्शन पे आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना, ये घर से आपको अलग करना है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन आप अपना प्लॉट के इस एरिया में करेंगे तो ये एक्सटेंडेड पोर्शन अलग रहेगा, और यहाँ पे आप दीवार ऐसे बनेगी तो ये एरिया आपके प्लॉट से अलग रहेगा, और यहाँ पे जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको इस पोर्शन में कंस्ट्रक्शन करना है, ये एरिया साउथ ईस्ट का एक्सटेंशन आपके प्लॉट से बाहर हो जाएगा। ये जो आपका एक्सटेंडेड पोर्शन बाहर हुआ है इसको आपको कच्चा या खुला ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आपको फर्श बनाना है, पक्का फर्श। ये दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे पक्का फर्श होना चाहिए एक्सटेंडेड एरिया में जो आपके घर से बाहर हो चुका है। तीसरा ये है कि इस फर्श का जो स्लोप है कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ ना हो, ये स्लोप हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे जब आप फ्लोर बनाएंगे पक्का फर्श तो इसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, यहाँ पे जो आप बनाएंगे उसका स्लोप भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, और यहाँ पे जो आप पक्का फर्श बनाएंगे इसका स्लोप भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसा ना हो कि गलती से स्लोप साउथ वेस्ट की तरफ हो जाए। यहाँ पे जो फर्श बनेगा उसका स्लोप भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, और यहाँ पे जो आप फर्श बनाएंगे यहाँ और यहाँ दोनों का स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो ये जब आप तीन नियम ध्यान में रखते हैं तो इसका वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। और अगर ये एरिया आपका खुला हुआ है, यहाँ से आप इसके अंदर जा सकते हैं, तो इसकी देख रेख के लिए आप दरवाज़ा छोटा सा बाहर यहाँ से बना सकते हैं, और यहाँ पे आप दरवाज़ा छोटा सा यहाँ जाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं होगा अंदर जाने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे दरवाज़ा आप नहीं बनाएंगे, दरवाज़ा बाहर से अंदर जाने के लिए यहाँ बनाइए इसके साफ़ सफाई के लिए, और यहाँ से या यहाँ से आप बाहर से दरवाज़ा बना सकते हैं जाके आप अंदर जाके इसमें साफ़ वगैरह कर सकें। और यहाँ पे आप दरवाज़ा इधर बना सकते हैं, और इस तरह के एक्सटेंशन में आप दरवाज़ा यहाँ बना सकते हैं या यहाँ बना सकते हैं, यानी कि बाहर से ही आपको इस एक्सटेंडेड एरिया में जाना है साफ़ सफाई के लिए, अंदर से आपको कोई भी एंट्री इस एक्सटेंडेड पोर्शन में नहीं देनी है। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से नए कंस्ट्रक्शन में इसका वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। अगर ये बना हुआ घर है तो इसके वास्तु दोष को हम कैसे दूर करें? बना हुआ घर है तो आपको यहाँ पे इस लेंथ पे आपको कॉपर या सिल्वर की वायर जमीन के अंदर बिछानी है जिससे कि ये पोर्शन अलग हो जाए। यहाँ पे आपको वायर इस लेंथ पे जमीन के अंदर डालनी है, और यहाँ पे इस लेंथ में आपको कॉपर या सिल्वर की वायर डालनी है, और अगर एक्सटेंशन ये है तो इस पूरी लेंथ में आप जमीन के अंदर वायर को डालिए जिससे ये पोर्शन इससे इफेक्टिव तरीके से अलग हो जाता है। और यहाँ पे इस लेंथ पे आप कॉपर या सिल्वर की वायर जमीन में डालिए, और यहाँ पे आप इस पूरी लेंथ पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉपर और सिल्वर की वायर आपको जमीन में डालनी है, तो इससे ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये आपके घर से अलग हो जाता है।
और अगर आप वायर ना डालना चाहें तो आप इस लेंथ पे एनर्जाइज पिरामिड्स जमीन के अंदर लगा सकते हैं हर 2 फीट के गैप पे, और यहाँ पे भी आप इस लेंथ पे एनर्जाइज पिरामिड्स जमीन के अंदर लगाइए 2 फीट के इंटरवेल पे, और यहाँ पे आप इस लेंथ पे एनर्जाइज पिरामिड्स लगा सकते हैं जमीन के अंदर, और यहाँ पे इस पूरी लेंथ में आप 2 फीट के इंटरवेल पे पिरामिड्स को एनर्जाइज करके इस लेंथ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप इस लेंथ पे पिरामिड्स लगाइए जमीन के अंदर, और यहाँ पे यहाँ से लेके इस लेंथ पे और यहाँ से लेके इस लेंथ पे आपको पिरामिड्स को जमीन के अंदर लगाना है। उससे एक्सटेंडेड एरिया जो आपका है आपके घर से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कट जाता है और इसका वास्तु दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। अगर हम फ्लैट्स की बात करें जहाँ पे फर्श को तोड़ना संभव नहीं है, जमीन के अंदर आप ना वायर लगा सकते हैं ना पिरामिड्स, तो यहाँ पे आप इस लेंथ पे सीलिंग पे इन्वर्टेड पिरामिड्स करके यहाँ पे आप लगा सकते हैं इस लेंथ पे, जिससे ये पोर्शन इस प्लॉट से आपके फ्लैट से या घर से अलग हो जाता है। इसी तरह से इस लेंथ पे आप सीलिंग हाइट पे इन्वर्टेड पिरामिड्स को आप लगाइए हर 2 फीट के इंटरवेल पे, पिरामिड्स आपको एनर्जाइज करना है, और यहाँ पे आप इस लेंथ पे सीलिंग पे आप इन्वर्टेड पिरामिड्स लगाइए, और यहाँ पे आप इस पूरी लेंथ पे जो आपकी सीलिंग है पिरामिड्स को आपको इन्वर्टेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स डाउन ग्राउंड की तरफ करके आपको हर 2 फीट के इंटरवेल पे लगाना है, और यहाँ पे आप सीलिंग हाइट पर इन्वर्टेड पिरामिड्स को हर 2 फीट के इंटरवेल पे एनर्जाइज करके लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप इस पूरी लेंथ में और पूरी इस पूरी लेंथ में सीलिंग हाइट पर इन्वर्टेड पिरामिड्स हर 2 फीट पे लगाइए एनर्जाइज करके। इससे भी ये जो एक्सटेंडेड पोर्शन है ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके फ्लैट या घर से एलिमिनेट हो जाता है, और इसका पूरा दोष 100% तरीके से ख़त्म हो जाता है, और आपका जो घर है वो वास्तु अनुकूल बन जाता है, वहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन का साउथ ईस्ट एक्सटेंशन का कोई वास्तु दोष उससे नहीं होता है। तो ये इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं साउथ ईस्ट एक्सटेंशन के वास्तु दोष को दूर करने की। तो जैसा हमने देखा, अगर साउथ ईस्ट में एक्सटेंशन है, भले ही वो छोटा है बड़ा है किसी भी प्रकार का है, उसके जो वास्तु दोष हैं वो बड़े हैं, नुकसान बड़े हैं, तो इनकी रेमेडीज जैसा वीडियो में बताया है उसके अनुसार आप करें, तो इससे जो घर है उसमें जो वास्तु दोष साउथ ईस्ट एक्सटेंशन से उत्पन्न होता है वो दूर हो जाता है। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब